नमस्कार यू आर वॉचिंग किशोर मंच मैं हूँ राहुल और इसके अलावा आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर फाइव का ट्रायल रन और एनसीईआरटी टी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी हमारी स्ट्रीमिंग जारी है एंड टुडे वी ब्रिंग यू दी सेकंड सेशन ऑफ क्लास फाइव मैथमेटिक्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए वन ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं और दूसरा नंबर है वन एट जीरो ज़ीरो वन वन टू वन नाइन नाइन इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन सी आई ई टी डॉट किशोर मंच एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम जल्दी से शुरू करते हैं हमारे साथ हमारे टीचर भी मौजूद हैं प्रोफेसर ए के राजपूत पब्लिकेशन डिवीज़न एन से वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से खेल खेल में बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में चैप्टर वन और टू कैसे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं मज़े मज़े में ही खेलना है सीखना है और अपना अच्छा सा टाइम काटना है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आप यहाँ तक आए शुरू करते हैं चैप्टर वन और टू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जहां हम आपसे आज बातचीत करें करने वाले हैं अगले 20-25 मिनट के लिए गणित के जो किताब है मैथ मैजिक उसके चैप्टर वन और चैप्टर टू की आ, बहुत सारे लोगों बच्चों के पास ये किताबें शायद नहीं होंगी दूसरी किताबें होंगी जो भी किताबें आपके पास हैं हम उन पर भी बातचीत करेंगे इन दो चैप्टर्स की अध्यायों की अगर हम बातचीत करें तो हम इन पर इनमें कुछ एक बड़े मुख्य उद्देश्य हैं जिनके ऊपर बात कर रहे हैं पहला जो है वो बड़ी संख्याओं का है इससे पहले आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ कर आए हैं और इन चाप, इस चैप्टर नंबर एक में बड़ी संख्याओं पर बातचीत हो रही है लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझने वाली है और वो ये है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं हम अपने रोजाना के जीवन के साथ उसको जोड़ते हैं और ऐसा ही कुछ सीखा जाना चाहिए कि हम रोज़ाना के जीवन के साथ उसको जोड़ सकें Uh, हमने इस चैप्टर में भी जो बातचीत की है वो रोजाना के आपके जो अनुभव हैं उन अनुभवों को लेकर ही आगे हम बढ़े हैं एज आई वॉज टेलिंग यू दैट वील बी टॉकिंग टू यू इन दीज नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स अबाउट द मैथमेटिक्स चैप्टर्स ऑफ क्लास वन एंड टू सॉरी क्लास वन चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू एंड इन दीज टू चैप्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर वन दी नंबर्स एंड दी लार्ज नंबर्स विच नॉर्मली वी आर हैविंग अराउंड अस एंड दीज नंबर्स आर इन अवर डेली लाइफ दैट्स वाई एवरीथिंग हैज बीन वीव्ड इन Uh, the form of stories and poems, which normally are linking your daily life experiences with the experiences of the classroom and the experiences of the textbook. Number one. Number two chapter is on angles. We see angles around us everywhere, we see angles, we talk about angles. So, what angles are, how these are measured, how these are named, these all have been given in the second chapter of this chapter 5, uh, sorry, book 5. Uh, as I was telling, while you are studying this uh, chapter number one, this is on uh, this started with a story of fish, uh, because we know uh, if I want to know from you how many children are there in your class, you will probably can count and give me the number. How far is your your school from the house? You can find it out in number of, in terms of number of steps, in term of the time. That this much time is taken while we come from by cycle. Uh, this much time is taken while we come by bus and so on. So you can tell in many 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 ways. But if I ask you, how many fish are there in in, a, in ocean, in sea, in a river rather? Ocean and sea are very big, but you <laughs> can say in a river. Mm -hmm. So can you count? I see everything know. we can count uh, which are around us yes say for example number of children number of people number of uh, objects and so on mm, even yes, yes. say number uh, of chairs number of tiles yes number of chairs in this yes. room and so on so we can count these yes. we can have our own ways right. so we studied these all in, in, in earlier classes about these numbers but when we talk about say one example i have given number of fish in a pond or in a river mm -hmm. can you count in pond we can say yes okay if pond is small small okay and but in river i think there is no option even in pond if it is a say for example big pond yes uh, what's your idea random idea how many fish will be there maybe there sir no idea no idea uh, will it be more than 10000 no no but if it is big big river yes might be a possibility Will it be more than 1 lakh? Yes. Do you know what is 1 lakh? Yes. How much is 1 lakh? 1 0 0 0 0 0. How many zeros? 5. 5 zeros. So, it is very simple. We say 100 means 10 tens. Yes. Then we have 1000 means 10 hundreds. Yes. Or can be called as 100 tens. Mm. Then 10,000 is 10 thousands or 100 hundreds. Yes. Can we say hundred hundreds? And if we say if I say one lakh. So now when we introduce ten thousand, after yes. that hundred thousand is one lakh. One lakh. One lakh na. Yes. So my how many hundreds will be there in, in one lakh? Uh, one thousand. One thousand hundreds. Oh nice, very good because it is hundred thousand. So if I have hundred rupee note, so it will be one thousand. You are an intelligent boy. <laughs> so ये ये सर के जो लास्ट सेशन है उन्होंने मुझे स्मार्ट बना दिया है उन्होंने इंटेलिजेंट बना <laughs> दिया है क्योंकि आपको याद होगा ब्लॉक से हम लोगों ने दस दस के कुछ पेयर्स बनाए थे इफ यू रिमेम्बर द लास्ट सेशन और वो एक बहुत बढ़िया तरीका था क्योंकि खेल खेल में ही हमने सीखा था और मुझे आज तक याद है जाहिर सी बात है आपको भी याद रहेगा तो ये जो ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी इनको घर में प्रैक्टिस करनी है अपने मम्मी पापा के साथ भैया और सिस्टर्स के साथ और दादा दादी के साथ जो भी है उनको खिलाइए उनको पढ़ाइए और खुद भी पढ़िए और इसी तरह से सीख जाइए तो अब ये जरूरी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जो बड़े नंबर हैं कैसे बोले जाते हैं क्या मीनिंग होता है उनका उनको कैसे बनाया जा सकता है और लिखना कैसे होता है सो so अभी राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जो वन लैक होता है उसमें पाँच जीरो लगती हैं एक के साथ फाइव जीरो so Five zeros में पहली तीन जीरो हजार की हो गई yes. और उसके बाद की जो दो जीरो होगी वो सौ हजार की आसान हो, yes. yes. uh, yes. so, हो गया याद रखना और इसके आगे अगर हम बढ़े तो ऐसे ही बता सकते हैं दस लाख अगर हम बात करें तो कितनी zeros होंगी और दस लाख को लिखेंगे कैसे और कितना बड़ा होगा वैसे दस लाख So, एक लाख का ten एक जीरो और बढ़ा देंगे तो तो एक तो और बढ़ा देंगे तो एक, एक लाख में कितनी थी पांच हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन जीरो यानी टेन का, वन, और तो वन ही रहेगा एक जीरो वेन वी आर टॉकिंग ऑफ फिश और वेन वी आर से मे बी रिवर इन ओशन एट्स वेरी लार्ज नंबरली समेर वी कैन से इट इज मोर देन टेन लैक yes no it is more than 100 lakhs also right and 100 lakh is named as 1 crore in yes. in, in indian system yes uh, there is a difference in writing numbers when we write in indian system and in international system but that system certainly you may understand and uh, only a way of naming these otherwise the number itself will remain is, is remaining the same so if you have your questions you can ask during this uh, we started this chapter with fish and uh, the हिंदी में अगर हम कहें तो मछली 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 उछली के नाम से ये चैप्टर है और इस चैप्टर में बातचीत की गई है मछलियों के ऊपर मुख्य उद्देश्य यह है कि हम ये समझ सकें कि मछलियों की जो संख्या है आ, समुद्र में या नदी में वो कितनी है जी उसका कुछ अनुमान हो सके हमें अपने ऐसे तरीके ढूँढे जिसमें हम उसको गिनती कर सकें अगर मैं आ, आपके स्कूल से लेकर घर तक जाता हूं और मैं उसको इस तरह की उंगलियों में मेजर करता हूं तो जैसे इतना डिस्टेंस जो है चार अंगुल हो गया अगर इसमें मेजर करना चाहूं स्कूल से लेकर और घर तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना सो करने के तरीके क्या होंगे हम अपनी हम यूनिट बढ़ा देंगे कदमों से पहले कर लेंगे और एक कदम में देंगे कितनी उंगलियां आती हैं जितने कदम होगा उतने नंबर से उसको मल्टीपी मल्टीप्लाई कर लेंगे सो so, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये नंबर जो है बहुत बड़ा होगा जी एक जो आपका तरीका हो सकता है जरा सोच कर इसको कैलकुलेट करेंगे आप पांचवी क्लास के विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि जरा ढूंढ बताने की कोशिश कीजिए आज तक आपकी उम्र जितनी हो गई है उसमें कितने सेकेंड की उम्र हुई वर्षों और महीनों और दिनों में तो आप बता सकते हो आप जरा सेकंड्स में कोशिश करें अगर आप दस साल के हो इस समय अगर आप दस साल के हो तो जरा ढूंढने कोशिश करें पहले आ, साल तो दस हो गए जी। और अगर इस समय देखें तो मान लीजिए दस साल और दो महीने हैं सो दस साल दो महीने महीने कितने हुए दो महीने दस साल में कितने महीने होंगे

पचास इतने बने ना तीन सौ पैंसठ को जब दस से गुना करेंगे दिन दिन बन गए में कितने घंटे उस नंबर को देखो कितना बड़ा नंबर है कैसे बोलेंगे उस नंबर को कामों में लिखा बहुत है हो जाएगा लेकिन मजा तो बहुत आएगा ये देखने में और ये जब हम बताएंगे और अगर हम कहेंगे एक जो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना जो जी, मच्छर होता है जी, उसका जो जीवन होता है वो कुछ घंटों का होता है अब अगर आप सोचिए कि आप एक मच्छर के जीवन से कितना बड़ा जीवन आपका है अगर एक ह्यूमन सौ साल तक जीता है तो कितना बड़ा हो गया मच्छर के रेफरेंस में मच्छर का तो छोटा सा होता है उसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो कितना गुना बड़ा हो गया ये सब तो हमारे जीवन का पार्ट है और यही सब हम पता लगाते हैं तो इस चैप्टर में मछली के ऊपर बातचीत हुई लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो मछली के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं उसमें मछली के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं सिर्फ संख्याओं की बात नहीं हो रही है कि कितनी होगी लेकिन कैसी होती है मछली कितनी प्रजाति की मछलियाँ होती हैं हम मछली का करते क्या क्या हैं मछली समुद्र में रहती है बहुत सारे जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं वैसे विश्व के काफ़ी सारे लोगों का जो आहार है वो मछली या समुद्र के जीव होते हैं मछली पकड़ी जाती है फिर उसको अलग अलग फॉर्म में उसको खाया जाता है ये भी बिजनेस की फॉर्म में देखा जाता है तो इस पूरे चैप्टर में इस पर भी बातचीत हुई है ये भी देखा जाता है आपको मछली के बारे में ये भी जानने की आवश्यकता होती है कि सबसे बड़ी मछली कितनी बड़ी होगी और सबसे छोटी मछली कितनी है कितनी प्रजाति की मछलियाँ होती हैं तो जब हम मछली के चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम ना सिर्फ संख्याओं की बात कर रहे हैं लेकिन हम मछली से जुड़ी हुई हर जानकारी के बारे में इस चैप्टर में बातचीत हो रही है तो आप इसको देखिए किस तरह की होती हैं और इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कैसे इन मछलियों को बनाएंगे इनकी संख्या ले पाएंगे हम क्या क्या करेंगे इसी के साथ हम देखते हैं कि आप ये जो मछली के कुछ एक प्रकार यहाँ दिए गए हैं जैसे ऑक्टोपस कहा गया है क्लैम कहा गया है प्रॉन कहा गया है पैरट फिश कहा गया है और कटल है, फिश है जेली, है जेली फिश है सो कितनी सारी जी ये इनमें से ये तो वो प्रजातियाँ हैं जो बड़ी पॉपुलर जी आम इस्तेमाल होती हैं सब लोग नॉर्मली इसको काफी सारे लोग खाने में पकाकर खाने में उपयोग करते हैं लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से आप ये पता कर सकते हो कि कौन कौन सी और प्रजातियां होती हैं जीवों की हमारा समुद्र का जीवन इतना अथाह है इतना बड़ा है कि अभी भी बहुत सारी चीजें समुद्र के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है वो भी जानकारी अभी ज्ञात की जा रही है और एक बार अगर आपको ये तरीके पता लग जाएं तो आप भी ये जानकारी ज्ञात करने में प्राप्त करने में सहायक होंगे थोड़ा बड़े हो जाओगे तो आप भी अपने तरीके ढूंढना कि नई नई प्रजातियां कैसे ढूंढी जा सकती हैं समुद्र में रहने वाले जीवों की और कई तो बहुत ही अलग अलग शेप्स की होती हैं अगर आप देखें तो व्हेल मछली जो कहा जाता है वो बहुत बड़ा एक प्राणी होता है जी और अब आप जरा इंटरनेट से पता करना कि व्हेल मछली कितनी बड़ी हो सकती है जी और अगर मैं व्हेल मछली को अपने अनुमान से देखूं मेरे से कितनी बड़ी तो जरा देखेंगे कितने हजार गुना मेरे जैसे कितने सारे लोगों को एक साथ खा सकती है और व्हेल मछली को जब आप ढूंढने लगेंगे तो अलग अलग साइज की आपको व्हेल मछली मिलेंगी और ये व्हेल मछली समुद्र में ही रह सकती है क्योंकि वो होती ही इतनी बड़ी है कि वो ही नहीं है वो शायद उनकी जो लंबाई है वो नब्बे फीट या उससे भी ज्यादा ज्यादा हो सकती है और उसका वेट कम से कम 20 से 22 या 24 हाथियों के बराबर हो सकता है तो कितनी बड़ी विशाल काय उसकी काया होगी इसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है और जब हम बात करते हैं अब हमने जैसे साइज की बात की तो जरा आप साइज को मीटर में देखने की कोशिश करिए अभी तो बताया है कि 60 फीट तक हो सकती है नब्बे नब्बे से नब्बे से फीट तक भी हो सकती है और वजन भी उसका कई टन हो सकता है तो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में देखना चाहें तो कितना होगा मैं तो देखता हूं कि एक जो मेरी किताब है वो 500 ग्राम की आधा किलोग्राम की होती है ठीक है और अगर किताब आधा किलोग्राम की है तो कितनी किताबों के बराबर मछली वेल मछली का वजन होगा जरा सोचिए देखिए अगर वेल मछली कई टनों की है एक टन कितना बड़ा होता है ये सब देखना ढूंढना बड़ा मज़ेदार है लेकिन बहुत सारा गणित में से छुपा हुआ जो इस किताब में हम बातचीत कर रहे हैं इसी पुस्तक में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर पर तो आप देखेंगे कि बातचीत की गई है कि जो ये मछलियाँ पकड़ कर इसका व्यापार करते हैं जो लोग मछुआरे जिन्हें कहा जाता है वो कैसे कैसे करते हैं मछली को सुखा कर भी इस्तेमाल किया जाता है जो मछली तभी का तभी उपयोग नहीं हो सकती मार्केट में नहीं ले जाई जा सकती उसका उपयोग उसको सुखा कर करते हैं मछली के बहुत सारे व्यंजन बनाकर किया जाता है तो बहुत सारे लोगों का व्यापार मछली से जुड़ा हुआ है मछली पकड़ के पकड़ने के लिए जाने के लिए क्या करते हैं मछली पकड़ने के लिए जाल, जाल का उपयोग करना, करना पड़ता हो जाल का उपयोग करना पड़ता है जाल बनाने वाले लोगों का बड़ा एक व्यापार इसके साथ जुड़ा हुआ है जो नाव बनाते हैं उनका है घर के तीन चार लोग सदस्य मिलकर जाते हैं कई कई दिन तक समुद्र में रहकर मछलियां पकड़ कर लाते हैं फिर वापिस आते हैं उनका अपना एक जो तरीका है मछली पकड़ने का उसको जानने का प्रयास करिए इन किताबों में इस पुस्तक में उस पर भी बात की गई है बड़े बड़े जहाज जो थोड़ा अमीर मछुआरे होते हैं वो बड़ी बोट ले लेते हैं तो थोड़ा कम होते हैं वो छोटी बोट पर जाते हैं जो हाथ से चलाने वाली चप्पू वाली नोट हो, बोट होती है उससे मछलियाँ पकड़ कर रहते हैं सो बहुत सारे तरीके हैं आप ये जानने का प्रयास करें कि मछली कैसे पकड़ी जाती है बहुत सारे बच्चे जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनके पास तो आइडियाज होंगे उनके परिवार में काम होता होगा लेकिन जो बच्चे मान लो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं आपके यहाँ तो सेब का व्यापार होता है जी आप जरा ये ढूंढने की कोशिश करें कि कितने तो सेब एक पेड़ पर होते हैं कैसे पता लगा पाओगे उनकी संख्या का अंदाज़ा तो लगा ही अंदाजा लगा, लगा सकते हैं है। जी और पूरा नंबर भी पता लग सकता है अच्छा अगर मेरे बागीचे में एक पेड़ पर कुछ सेब लगते हैं तो मेरे बागीचे में एक हजार पेड़ हैं तो कितने सेब लगेंगे अगर एक ट्रक में अगर गाड़ी सेब उस सेब को ले जाए मंडी में बेचने के लिए कहीं तो एक ट्रक में अगर कुछ सेब आते हैं मान लीजिए नब्बे नौ सौ नाइन हंड्रेड के जी या वन थाउजेंड के आते हैं तो कितने ट्रक में ये पूरा जो हमारा सेब है वो जा सकता है ये इसके पीछे बहुत सारा गणित है बड़ी बड़ी संख्याएं जुड़ी हुई हैं इन संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करें इन संख्याओं के किस क्रम में यही कहा गया है लेकिन साथ के साथ जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो सेब के बारे में जानें और जो पहाड़ों पर रहते हैं जो जहाँ सेब का अखरोट का इस तरह के जो फल हैं उनका व्यापार होता है तो वो ये जाने कि मछली का कैसे व्यापार होता है या दूसरे और जो चीज़ें समुद्र के किनारे मिलती हैं उनका व्यापार कैसे होता है तो ये जो पूरा चैप्टर है ये ना सिर्फ बड़ी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है लेकिन हम इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आपने अब तक पढ़ी हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं इसमें ये भी चैप्टर में बड़ा बारीकी से बात की गई है कि जो फिश मार्केट है वो फिश मार्केट में कैसे बिजनेस होता है और बहुत सारे लोग अगर आप देखें तो फिश मार्केट में बहुत सारी महिलाएं काम कर रही होती हैं कितनी ही महिलाओं की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी है जी। तो ये कहना कि ये काम सिर्फ पुरुष करते हैं गलत है कितनी ही महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं महिलाएं और पुरुष मिलकर ये कार्य कर रहे होते हैं कहीं तो सिर्फ महिलाएं अकेली ही ये कार्य करती हैं मछली पकड़ने भी जाती हैं पकड़ कर लाती हैं उसको बाजार में बेचने भी जाती हैं और जो पैसा मिलता है उसे अपना घर का परिवार का पालन पोषण करती हैं तो महिलाएं भी इस पूरे एरिया में एकदम तो बहुत आगे हैं तो ये ना समझा जाए कि सिर्फ पुरुष ये काम करते हैं इसमें कुछ महिलाओं के भी नाम दी गई है जिसमें ऐसे जैसे फ्लोरम्मा है जो दक्षिण भारत में रहती हैं उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई है और उसमें वो और भी जितने गांव के लोग हैं सबकी मछलियां इकट्ठी करके गाड़ी में भर के वो एक बड़े शहर में जाते हैं वहां बेचते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं जी और उसके बाद इन मछलियों पर ज्यादा मछली जो बच जाती है शाम तक क्योंकि मछली को ऐसे रखेंगे तो खराब हो जाएगी उसको अगर कोल्ड स्टोरेज में रखना है उसको बर्फ में रखना है तो कितने दिन तक रख सकते हैं सारी जानकारी उनको होती है और इसके साथ साथ उसको अगर हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते तो जहाँ धूप है वहाँ उसको सुखाया जाता है और सुखा कर उसको पैक कर दिया जाता है फिर तो कई दिनों तक वो बिना खराब हुए रह सकती है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं सो ये बहुत सारी बातें इस पूरे चैप्टर में की गई हैं जहाँ छोटे बड़े संख्याओं की बात की गई है आप मैंने जैसे बात की थी कि ये जानने का प्रयास करें कि लाख कितना बड़ा होता है दस लाख कितना बड़ा होता है एक करोड़ कितना हो जाता है दस करोड़ कितना हो जाता है तो ये सब आप जानने का प्रयास करें और इसे ढूंढिए। ये भी देखिए कि मछली की जब उसको अगर मुझे इसके ऊपर ज़्यादा काम करना है तो कैसे हम आ, उसका व्यापार करते हैं सुखाने का क्या प्रोसेस है कैसे सुखाया जाता है मछलियों को ये भी देखने की ज़रूरत है और पैसा कैसे लगेगा इसमें बहुत सारे ऐसे आपने जो पढ़ा है जैसे एक मैं इस चैप्टर के यहाँ ये पढ़ रहा हूँ किसी ने एक ये काम करवाया और ये जो फजीला है इसने एक फिश टैंक बनवाने के ऊपर काम किया और उसने क्या किया कि ये फिश टैंक पे जैसे बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर उसने बनवाया तीन हज़ार रुपये लगते हैं वो एक बनवाया बैम्बू रैक फॉर फिश डाइक मीन्स 2000 rupees and 20 such, such bamboo racks she has made. <coughs> Cement tank has been prepared for 1000 rupees per tank. 4 tanks have been prepared. <coughs> tray and knife to sell them out. Tray and knife are there. So, 300 rupees per tray and knife and 20 such items have been purchased. And buckets 75 rupees per bucket and 20 such buckets have been purchased. Now, you have to tell what is the total amount which has been spent, which is required to be spent. इन ऑर्डर टू ओपन अवर ओन बिजनेस ऑफ फिशिंग छोटी जो है, आ, पहली पीछे में पढ़ा है आप कक्षा पांच में है कक्षा फोर में भी पढ़ा है कक्षा तीन में भी पढ़ा है गुणा और भागी तो है और जोड़ना है तो इसको गुणा करिए जोड़िए पता लगाइए अपने दैनिक जीवन में देखिए और पता लगाने का प्रयास करिए अब ये सब कर लिया अगर मान लीजिए जो कुछ भी किया उससे मुझे ये पता लगता है कि इतना पैसा इसमें खर्चा हुआ फिर जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो कितना पैसा खर्च होता है जाते हैं तो जितने तीन लोग गए उन्होंने तीन दिन खाना भी खाया एक बोट बनाई बोट के ऊपर भी खर्चा हुआ तो इसका मतलब जो मछली पकड़ कर लाए जब बेचेंगे तो उस मछली से ये सारा खर्चा पूरा होना चाहिए और पूरा खर्चा पूरा होने के बाद कुछ बचत भी होनी चाहिए तो ज़रा ढूंढने का प्रयास करें कितनी बचत हुई क्या ये बिजनेस अच्छा है इसमें ज़्यादा बचत होती है और मेहनत ज़्यादा है बहुत मेहनत करने पर बहुत पैसा कमाया जा सकता है ये इसका सबका अनुमान लगाइए एस्टिमेट लगाइए और इसको लेकर आगे चल रही ये जो मैं फ्लोरमा की बात कर रहा था फ्लोरमा ने यही काम किया और अपने जो बिजनेस है अपना जो व्यापार है उसको कुछ सौ किलो मछली पाँच सौ किलो एक हज़ार किलोग्राम मछली से शुरू करके कई हज़ार टन तक मछली के व्यापार को बढ़ा कर लेके गई सिर्फ पहले अकेली जाती थी अकेली ही उसके परिवार के तीन लोग मछली पकड़ कर लाते थे और उसका व्यापार होता था धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों को भी उन्होंने रोज़गार देना शुरू कर दिया और गांव के साथ साथ पूरे शहर का कर लिया अपनी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली सो क्या क्या हुआ इसके बारे में जानने की कोशिश करें और इसका पूरा गणित जाने आप सम देखेंगे कितना अच्छा ये पूरा कार्य होता है और बड़ा मज़ेदार मज़े मज़े में हम बहुत सारा गणित भी सीखते हैं आप देखिए कुछ पता लगाओगे अब आपके लिए कार्य है इस चैप्टर के बाद आप पता लगाओगे कि कौन कौन से गाने मछुआरे गाते हैं जब मछली पकड़ने जाते हैं ना तो नाव ऐसे लहरें में लहरों में ऊपर नीचे हो रही है और फिर गाँव में वो गाना भी गा रहे हैं जब मछली पकड़ने जाते हैं तो खुश होते हैं लेकिन जब मछली पकड़ कर लाते हैं तो थके हुए होते हैं बट खुशी होती है बहुत सारी मछली पकड़ ली है हम इसे बाज़ार में बेचेंगे और हम अपने परिवार को हम अच्छा खाना खिलाएंगे मेरा परिवार इतने दिन से भूखा था कम तो वो खुशी भी है तो कौन से गाने गाते हैं आप ये ढूंढिए आपको मिलेंगे और उन गानों को आजकल तो हम यूट्यूब पर या दूसरे चैनल्स पर भी देख सकते हैं तो आपको उसके साथ का म्यूजिक भी समझ में आएगा बोल भी समझ में आएंगे और अगर उनके साथ होने वाले कुछ डांस हैं तो वो भी देखिए और ये सिर्फ मछुआरों से ही संबंधित क्यों मछली संबंधित ही क्यों जैसा मैंने उदाहरण दिया था हिमाचल में जब सेब के बगीचों में या बगीचों में फूल आते, तो आते हैं तो किस तरह की खुशबू होती है किस तरह के गाने गाए जाते हैं डांस किए जाते हैं जब फल आ जाते हैं तो कैसे करते हैं और जब बेच देने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं आप कोई ज़्यादा काम नहीं है तो क्या करते हैं किस तरह से वो उत्सव को मनाते हैं दूसरा अध्याय जो है वो शेप्स एंड एंगल पर है हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी शेप्स हैं इन शेप्स के बारे में इस इस चैप्टर में बातचीत की गई है और एंगल्स के बारे में बातचीत की गई है आ, तीलियों माचिस की तीलियों और रबड़ की ट्यूब से हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं इन शेप्स में से कुछ शेप्स के बारे में आपने पढ़ा है एंड दीज शेप्स आर ट्रगल रेक्टेंगल स्क्यर पैरलाग्राम एंड सोन लेकिन यहाँ पाँच वोझाओं वाली भी बुझाओं वाली भी यहां बहुत सारी अलग अलग तरह की आकृतियों की बात करते हैं आप देखेंगे कि इसमें चैप्टर में आपको उदाहरण दिए गए हैं कि आप माचिस की तिलियों को रबड़ से की ट्यूब से जोड़कर कैसी कैसी आकृतियां बना सकते हैं और जब आपने एक ऐसी आकृति बना ली है तो जरा ढूंढने बताने का प्रयास करें कि इसमें कितनी तिलियां लगी हैं कितने कोने बन गए इसके और इसकी इस आकृति के कितने कोने बन गए इस आकृति के कितने कोने बन गए कितनी तिलियों से आकृति बनी तो ये सब आप ढूंढने का प्रयास करें और ऐसी ही अगर आप देखें, तो यहां भी है तो यहां दो रेखाएं मिलकर इस तरह से कुछ बना रही हैं। क्या बोलते हैं इसको कोण और अब तो कई जगह कोण होते हैं जी। आपकी जब बाजू ऐसे मुड़ती है तो उसमें भी यहां कोण बनता है आपकी यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें चित्र दिए गए हैं उनमें कितने सारे कोण बन रहे हैं इन कोणों से हम बंद आकृतियाँ बनाते हैं इन आकृतियों के बारे में जाने कितनी भुजाएँ कितने कोने या कोण क्या उनका माप अगर ये भुजाएँ बराबर हैं तो उनका माप क्या होगा हम कैसे पता लगा सकेंगे क्या आप आठ माचिस की तीलियों से आठ भुजाओं वाली बंद आकृति बनाते हैं कैसे कैसे बनाई जा सकती है लेकिन आठ ही भुजाओं वाली आठ माचिस की तिलियों से बनानी है लेकिन वो कुछ अंदर की तरफ हो या कुछ बाहर की तरफ को है, कैसे बना पाओगे तो और ये, जैसे से ये सारे काम याद रखने हैं आपको क्योंकि सेशन बस खत्म होने को है लेकिन खेल खेल में बातों बातों में बहुत कुछ आज सीखने को मिल रहा है और Uh, मैं प्रोफेसर राजपूत आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को कंक्लूड करें हाँ देखिए तो मैं अंत में आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमने इस चैप्टर में देखा है इसमें बहुत सारे ऐसे कोणों के बारे में बातचीत की गई है विशेषता हम यहाँ तीन तरह के कोणों की बात कर रहे हैं एक हम कहते हैं सम कोण राइट एंगल राइट एंगल हम कहते हैं जब जैसे आपकी किताबों के कोने मैं अगर इस किताब को लूँ तो इस किताब का इस कोने पर ये दो भुजाएं एक कोण बना रही हैं जिसको हम सम कोण बोलते हैं अब right. आप अपना एक टेस्टर बना लीजिए और इसको रखिए और अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये वाला कोण जो बना ये सम से बड़ा है या छोटा है तो मैं क्या करूँगा अपने इस टेस्टर को इसके साथ लगा के देखूँगा और मैंने देखा कि अगर मैं लगाता हूँ तो मेरी उंगली रह गई और ये जो टेस्ट ये जो है कोण ये थोड़ा बड़ा हो गया अगर मैं ऐसे करता तो ये कोण थोड़ा छोटा है समकोण से हम इस तरह से इन कोणों को माप सकते हैं सो आप इसके पर काम करिए बहुत सारी शेप्स इनके नाम आठ भुजाओं वाली आकृति को क्या बोलोगे छह भुजाओं वाली आकृति को क्या कहेंगे और जैसे जैसे बुझाएँ बढ़ाते जाएंगे तो आकृति कैसी बनेगी कितने कोण हो जाएंगे कितने कोने हो जाएंगे अंदर की तरफ कितने कोण होंगे बाहर की तरफ कितने कोण होंगे इस पूरे अध्याय में इसी पर बातचीत की गई है इसे करिए और कागज़ को मोड़कर आपके पास अगर इस तरह का कोई पेपर दे देते हैं तो मैं अगर देखूं तो मैंने एक आयताकार आकृति को वर्ग में बदल दिया अब इसको एक और कर दिया तो बहुत सारे बन गए अब ऐसे आप किसी भी तरह से मोड़ लीजिए और इसको मोड़ कर जब दोबारा खोलेंगे तो आपको दिखाई देंगी बहुत सारी आकृतियाँ अगर मैं देखूँ तो आपको कितनी सारी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं कि इधर बनी इधर बनी है इधर भी बनी है इधर भी बनी है और इधर भी बन गई है इधर भी बन गई है, है तो कितनी सारी आकृतियाँ बनी हैं अब इन आकृतियों के नाम देखिए इनके कोण देखिए कितने बने हैं और ये जानने का प्रयास करें सो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हैं आप इसे करिए और अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप जरूर भेजिएगा आने वाले इसी चैनल पर हम और भी अध्यायों पर बातचीत करेंगे और आपके जो समस्याएं होंगी आपको जहां चीजें समझ नहीं आई उस पर भी बातचीत करेंगे बिल्कुल अगले सप्ताह फिर इसी दिन और इसी क्लास का ये हमारा रहेगा समय तो आप जरूर इसको देखिएगा और आपके जो भी प्रश्नों ने सी आई पर जरूर भेजिएगा और जैसा कि अभी आपने बातों बातों में जितने भी खेल सुने हैं उन सबको खेलना है जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो हम हेल्दी बनेंगे और हेल्दी ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना? Hmm. तो ऐसे आज मैं भी करने वाला हूं। आप भी करिएगा थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर ए के राजपूत आप यहाँ तक आए और आपने ये सेशन एक्सप्लेन किया थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच नमस्कार चलिए आप लोग भी हमारे साथ यही जुड़े रहिए अगला सेशन लेकर हम अभी आते हैं कुछ क्षणों में फिलहाल ये सेशन यही समाप्त होता है नमस्कार